मॉर्निंग क्लास. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिवीजन एंजियोस्पर्म. इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिवीजन्स लाइक थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. तो हाउ इट डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर डिवीजन बिकॉज ऑफ इट्स एडवांसमेंट. इट इज़ द मोस्ट एडवांस डिवीजन ऑफ ऑल प्लांट. डिवीजन दैट इज क्या थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइट से ये सभी ये एनजियो स्पर्म जो है थैलोफाइट के कंपैरिजन में और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में ये सबसे एडवांस मोस्ट प्लांट्स हैं जो इसमें आते हैं. इनमें क्या हैं ये, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले हम जनरल कैरेक्टर्स में इसका डिस्कस करेंगे. जनरल कैरेक्टर्स तो फर्स्ट क्या है, ये सब इन सभी में ये बहुत एडवांस है. तो जिम्नोस्पर्म में क्या था कि जो सीड्स थे विदाउट कोटिंग प्रेजेंट थे और उनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. ओव्यूल विदाउट ओवरी प्रेजेंट थे. तो अब एंजियोस्पर्म में क्या है कि ये सभी प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लावर्स and seeds both are present in gymnosperm. angiosperm. Second is जैसे कि gymnosperm में seed coat नहीं present था और ovules का formation without ovary हो रहा है. ओव्यूल्स का फॉर्मेशन विदाउट ओवरी हो रहा है, यहाँ पर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन विद इन ओवरी हो रहा है. विद इन ओवरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है कि सीड इनक्लोज है सीड कोट्स में. जिम्नोस्पर्म में ये सीड कोट प्रेजेंट नहीं था. सीड्स आर इनक्लोज्ड इन सीड कोट. जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स एब्सेंट थे. यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप है. वैस्कुलर सिस्टम में क्या है, जाइलम्स वेसल्स प्रेजेंट है. जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट और वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट है. तो ये सबसे मॉडिफाइड और सबसे एडवांस जितने भी प्लांट्स हैं सभी एंजियोस्पर्म के अंदर रखे गए. अब एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया. वो क्लासेस क्या हैं, वो मोनोकॉट्स हैं और डाइकॉट्स हैं. तो एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया. वो क्लासेस हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉटिलेडंस. मोनोकॉट्स के कैरेक्टर क्या है, इसके सीड्स में सिर्फ वन कॉटिलेडन प्रेजेंट है और डाइकॉट्स में टू कॉटिलेडन प्रेजेंट है. तो इस बेसिस पे मोनोकॉट और डाइकॉट्स को रखा गया, डिवाइड किया गया इन क्लासेस. लेकिन इनके जो लीफ स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट देखा गया. इनमें जो लीफ का वेनेशन था वो पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या है, रेटिकुलेटेड वेनेशन. तो वन कॉटिलेडन, यहाँ पे टू कॉटिलेडन और पैरेलल वेनेशन
यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस। अब यहाँ पे जो जनरल कैरेक्टर में वो है रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही, तीनों ही टाइप के मिल रहे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स स्टेम, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट एक अलग पार्ट को रिप्रोड्यूस कर रहा था। वेजिटेटिव टेक प्लेस बाय लीफ स्टेम और रूट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही हो रहा था जैसे अदर प्लांट्स में हो रहा है, लोअर प्लांट्स में हो रहा है बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेवन कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो हाईली रिड्यूस्ड है, लेकिन और टेडोफाइट्स में हमने देखा था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सेपरेटली दिख रहे थे, यहाँ पे गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत ही रिड्यूस हो जाती है और सिर्फ एग सेल तक लिमिटेड हो जाती है। तो गैमेटोफिटिक स्टेज आर हाईली रिड्यूस्ड highly reduced limited to the egg cell। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है एग सेल तक सिर्फ लिमिटेड, अगर मेल की बात करें तो स्पर्म तक लिमिटेड हो जाता है, पोलन ग्रेन तक लिमिटेड हो जाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो एग सेल तक लिमिटेड हो जाता है। तो हाईली रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि टेटोफाइट्स में हमने देखा था कि वहाँ पर गैमेटोफाइट भी अलग फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग था। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंटली शो हो रहे थे इन टेरिडोफाइट, इन एंजियोस्पर्म। क्या है दो गैमेटोफिटिक स्टेज हाईली रिड्यूस कर जा रही है, बहुत रिड्यूस करके मेल गैमेटोफाइट है तो पोलन ग्रेन तक लिमिटेड हो जा रहा है, और फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो एग सेल तक लिमिटेड हो जा रही है। अब नाउ वी डिस्कस अनदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ये क्या है, जो स्मॉलर मोस्ट एंजियोस्पर्म है वो वॉल्फिया है, और टॉलेस्ट मोस्ट जिसकी 100 मीटर तक हाइट होती है वो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस। तो मोस्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया एंड लार्जेस्ट और tallest most is eucalyptus। जिसकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है, और वॉल्फिया की जो लेंथ है या विड्थ है इसकी 0.01 सेंटीमीटर, इतनी छोटी हाइट तक का वॉल्फिया प्रेजेंट होता है, और यूकेलिप्टस 100 मीटर
तक की हाइट इनकी होती है, मीटर्स तक की हाइट होती है। तो टॉलेस्ट प्लांट भी यूकेलिप्टस इनमें मिला, और स्मॉलेस्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट प्लांट इज वॉल्फिया भी इनमें मिला एंजियोस्पर्म। इसमें इनलाइन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लावर में ही मेल फ्लावर जो है वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लावर रिप्रेजेंट्स मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। वो क्या है, मेल एंथर को फॉर्म करता है, मेल गैमेटोफाइट एंथर है और फीमेल गैमेटोफाइट गाइनोशियम है, गाइनोशियम। तो इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें इंक्लोज रहते हैं, फ्लावर में रहते हैं। और ये फ्लावर ट्राइमेरस फ्लावर से लेकर पेंटामेरस फ्लावर तक हो सकता है। मीन्स कि जो उनमें पार्ट है, फ्लावरिंग पार्ट है, वो 3 से लेकर 5 तक हो सकते हैं, वर्ल्ड 5 तक हो सकते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर में मीन्स कि सभी चीज़ें, सभी जो फ्लावरिंग पार्ट है 3-3 प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर पेटल्स यहाँ पे 3 हैं, पेटल्स 3 हैं, तो क्या है, ये ट्राइमेरस फ्लावर हैं और पेंटामेरस यहाँ पे पेटल्स फाइव हैं। तो ये क्या हुआ, ये पेंटामेरस फ्लावर हो गया, 5 गाइनोशियम गाइनोशियम इनफाइनाइट एंड्रोशियम, ये फ्लावर कैसा होगा। अगर 5 पेटल्स होंगे, 5 गाइनोशियम होंगे तो पेंटामेरस फ्लावर, और 3 पेटल्स होंगे, 3 गाइनोशियम होंगे तो ट्राइमेरस फ्लावर, और टेट्रामेरस फ्लावर अगर 4 फ्लावरिंग पार्ट होंगे तो टेट्रामेरस फ्लावर। और जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होते हैं उनमें मेनली 4 वर्ल्ड होते हैं। 4 वर्ल्ड में क्या क्या, सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सबसे आउटर जो वर्ल्ड फ्लावर का होता है, आउटर मोस्ट कैलिक्स फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें 4 वर्ल्ड होते हैं, आउटर मोस्ट वर्ल्ड कैलिक्स, फिर इसके बाद करोला, एंड फिर एंड्रोशियम, एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम तो ये 4 वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं। अब सेपरेटली क्या बोला जाता है, अगर ये एंड्रोशियम कलेक्टिवली बोला जाता है, अगर एक एक को बोला जाए तो ये एंथर, पेटल, सेपल एंड कार्पल। अगर
एक एक को ये कलेक्टिवली कार्पल के ग्रुप को गायनोशियम बोला जाता है, कलेक्टिवली गायनोशियम। सेपल्स के ग्रुप को कलेक्टिवली अगर कर दे कैलेक्स, एंड पेटल्स के ग्रुप को करोला, एंड एंथर के ग्रुप को एंड्रोशियम बोला जाता है। तो ये फ्लावर के फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे गायनोशियम, सेपल, पेटल एंड एंथर। तो इस तरीके से फ्लावर एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर है उसमें फोर वर्ल्ड होते हैं। आउटर मोस्ट सेपल होता है एंड इनर मोस्ट गायनोशियम होता है अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब मेल और फीमेल सेपरेट है तो थ्री वर्ल्ड प्रेजेंट होंगे, आइदर गायनोशियम प्रेजेंट होगा और आइदर एंथर प्रेजेंट होगा। तो अगर एंथर सिर्फ प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर होगा, अगर गायनोशियम सिर्फ प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर होगा। ये कैसे होते हैं, ये बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जब सेपरेट हों, मेल और फीमेल अगर सेपरेट हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो बाईसेक्सुअल फ्लावर इन्हें बोला जाएगा। तो टू टाइप्स ऑफ फ्लावर इनमें देखने को मिला, वो क्या है, यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में आइदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हो सकते हैं, दो फ्लावर हो सकते हैं, और बाईसेक्सुअल में दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर मिलते हैं ऐसे। अब इनमें सीड देख लेते हैं, सीड कैसे सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सीड हो सकता है, सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स हो और हो सकता है डिफरेंट कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हो सीड में, और इनके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होगा। सीड कोट एम्ब्रियो अगर टू कॉटिलेडन्स हैं तो डाइकोटिलेडन्स या डाइकॉट इन्हें बोला जाएगा, अगर सिर्फ एक कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट। तो सीड्स और फ्लावर्स में एंजियोस्पर्म में इस तरीके के हो सकते हैं। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं इन द प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। In the plant of angiosperm, यहाँ पे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर में और मेल पार्ट। एंथर गायनोशियम एंथर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन फॉर्म जो होते हैं इसमें टू गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, टू स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये
प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्लॉइडी एन होती है। प्लॉइडी एन फ्लावर डिप्लॉइड है मियोसिस डिवीजन के बाद, मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और जो एग का फॉर्मेशन होता है बाय मेगा स्पोन मदर सेल से। तो एंड्रोशियम में मेगा स्पोन मदर सेल प्रेजेंट है, वहाँ पे मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद एग का फॉर्मेशन होता है। एग में एग और ओव्यूल, सिंपली ओव्यूल, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल या ओवम। ओवम में थ्री एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं, थ्री एंटीपोडल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड सेल, टू सिनर्जिड सेल। एंटीपोडल ये थ्री नंबर होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग सेल, टू सिनर्जिड सेल। अब जब यहाँ से पोलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के जब पोलन ग्रेन यहाँ पे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर आता है, फ्यूज होता है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँच जाता है। ओव्यूल में जाने के बाद यहाँ पे जो एग है फीमेल एग सेल से, एक स्पर्म एग सेल से फर्टिलाइज करता है और एक स्पर्म टू पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वन स्पर्म फ्यूज विथ एग सेल एंड अनदर वन स्पर्म, अनदर स्पर्म फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई से अब क्योंकि पोलन ग्रेन के पास दो स्पर्म हैं, एक पोलन ग्रेन में दो स्पर्म हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर फ्यूज होता है तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब एंट्री करता है इन गायनोशियम, गायनोशियम में ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल में थ्री एंटीपोडल, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग सेल और टू सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। तो एक जो स्पर्म है वो एग सेल से फ्यूज होता है और एक स्पर्म टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए बोला जाता है जो एक स्पर्म एग सेल से फ्यूज हुआ है और एक स्पर्म टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स और दो सिनर्जिड सेल ये डीजनरेट हो जाते हैं। अब एग सेल मैच्योर हो जाता है, एग सेल
और टू पोलर न्यूक्लियाई ये मैच्योर हो जाते हैं। किसमें मैच्योर हो जाते हैं? इन यहाँ पे जिससे एग सेल से जो स्पर्म फ्यूज हुआ है उसका क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्लॉइडी 2m होती है और जिससे एक स्पर्म टू पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज किया है तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है 3m, ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो जाता है। यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई और एक स्पर्म का न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन 3m एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे एंडोस्पर्म का 3n। अब एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है 3n है और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है 2n है। अब यहाँ पे जाइगोट से डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसमें एम्ब्रियो की जाइगोट का डेवलपमेंट जाइगोट किसमें डेवलपमेंट कर लेता है एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रहता है। तो ये क्या है इसकी एम्ब्रियो की प्लॉइडी 2n है। फिर एम्ब्रियो किसमें सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अब सीड में दो चीज़ें हैं एक एंडोस्पर्म है एक एम्ब्रियो है। तो जो एंडोस्पर्म का पार्ट है एंडोस्पर्म उसकी प्लॉइडी 3n होती है और जो एम्ब्रियो है इसकी प्लॉइडी 2n होता है। नाउ सीड फिर जर्मिनेट करके प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट। फिर से ये यहाँ पे फ्लावर होते हैं और फ्लावर किसमें चेंज हो जाता है प्लांट में चेंज होता है। फिर प्लांट पे फ्लावर आते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है फ्यूज़न होता है। फिर फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से एम्ब्रियो सीड एंड फिर प्लांट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे मियोसिस कहाँ होती है मियोसिस से यहाँ पे जो प्लांट होता है ये पूरा स्पोरोफाइट होता है प्लांट स्पोरोफाइट। यहाँ गैमिटोफाइट सिर्फ पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स में दिखता है ये पोलन ग्रेन गैमिटोफिटिक कंडीशन है गैमिटोफिटिक पोलन ग्रेन है और ओव्यूल गैमिटोफिटिक है। इसके बाद जितनी भी स्टेजेस हैं वो क्या है फर्टिलाइजेशन से पहले तक यहाँ पे गैमेटोफाइट है और ये सभी स्पोरोफाइट है सभी के सभी। तो कितनी स्टेजेस यहाँ पे दिखी यहाँ पे जाइगोट भी स्पोरोफाइट 2n एम्ब्रियो स्पोरोफाइट सीड स्पोरोफाइट प्लांट भी स्पोरोफाइट प्लॉइडी 2n। जब प्लांट में फ्लावर बनते हैं फ्लावर में एंथर में मियोसिस होती है मियोसिस के बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और गायनोशियल में मियोसिस के बाद ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आए गैमेटोफाइट बने इनकी प्लॉइडी n हो गई स्पर्म की प्लॉइडी भी n हो गई पोलन ग्रेन की भी प्लॉइडी n हो गई। तो अब जब फ्यूज़न होता है तो n और n का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है 2n हो जाते हैं। अब यहाँ पे जिसका फ्यूज़न टू पोलर न्यूक्लियाई से होता है यहाँ पे दो न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट है तो एक और न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे
तो इसकी प्लॉयडी कितनी हो गई, 3n हो गई। तो जो पोलर न्यूक्लियाई है ये चेंज हो जाता है एंडोस्पर्म में, और एग जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जाइगोट फर्दर डेवलप होता है तो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, इसी एम्ब्रियो से अब ये सीड में इनक्लोज हो जाता है। सीड में क्या क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म जिसकी प्लॉयडी 3n है, और एम्ब्रियो की प्लॉयडी 2n है। अब सीड जब जर्मिनेट करता है फिर से वो प्लांट में डेवलप हो जाता है और फ्लावर का फॉर्मेशन, फ्लावरिंग प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट हुई, सभी एम्ब्रियो, सीड, जाइगोट स्पोरोफाइट, फ्लावर भी स्पोरोफाइट हुआ क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है। गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आफ्टर मियोसिस इन एंथर और गाइनोशियम में, एंथर में मियोसिस हो रहा है तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और गाइनोशियम में मियोसिस हो रहा है तो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सिर्फ यही स्टेज गैमेटोफाइट है, एग जो फॉर्म हुआ वो गैमेटोफाइट स्टेज है और स्पर्म जो फॉर्म हुआ वो गैमेटोफाइट स्टेज है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है दोनों में ही। अब जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है तो फिर से इनकी प्लॉयडी डिप्लॉयड हो जाती है, और जहाँ ट्रिपल पोलर न्यूक्लियाई से जिसमें जिस स्पर्म का फ्यूजन होता है ये पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है जिसकी प्लॉयडी 3n हो जाती है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है और जाइगोट डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट से फॉर द एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सीड, सीड से फिर से स्पर्म बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे।